देखिए यहाँ पे देखिए सत्यापित करें कि y बराबर सी ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अवकल समीकरण इसका हल है। तो चलिए से डिफरेंशिएट करते हैं और लाते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो ये जो आपका सी ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स है इसका तो यही हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं कि इसके जगह पर मैं वाई लिख देता हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसे। चलिए मैं यहाँ पे वाई लिख देता हूं, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा वाई और बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना जी इससे। चलिए एक काम करता हूं, अब मैं इसको इधर लाके गुणा कर देता हूं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में वाई, ठीक है। अब इसे फिर से डिफ्रेंसिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा टू एक्स है ना, 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रखकर, और इसका डिफरेंसिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर, और y का भी डिफरेंसिएशन डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। मैं इसको इधर लेके चला, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई और बट्टा में यह डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूंगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में टू एक्स माइनस वन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। यहाँ कह सकते हैं कि अतः, यही ना प्रूव करना था, अतः आपका क्या दिया था जी वाई बराबर सी ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, यही ना दिया था। हाँ अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो का हल है, इस अवकल समीकरण का हल है हमने दिखा दिया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला।